आप 0/0 हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सोसाइटी को पड़ता है ना फर्क, और रिश्तेदारों को पड़ता है फर्क। उन्हें दिखाना है अब करके, उन्हें दिखाना है कि डरे हुए हो। क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, 2022 खत्म हो रहा है, नया साल 2023, नया तरीका, नया वे। याद करो क्लास 10 की शुरुआत 2022, आपका वो सपना जो आपने देखा था कि क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, उन रिश्तेदारों के मुंह पे तमाचा मारेंगे जो ये कहते थे कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, इससे क्या होगा, हमारे माँ बाप हैं अच्छे से खुश हो जाएं कि हाँ भाई अच्छे नंबर उस पास हुए हैं, हमारी नॉलेज बढ़ जाए, हम अच्छे नंबर लेके आए, आगे जो हम मनचाही स्ट्रीम है उसको ले रहे हो। वो सपना ज़रा याद करो, क्या वो सपना तुम्हें नहीं लगता पीछे छूट रहा है? 2022 के साथ में वो सपना भी कहीं जा रहा है, छूटा हुआ, गुम हो रहा है वो सपना। आज की वीडियो में आपको याद दिलाने आया हूँ, आपके लिए एक चैलेंज है, आपके लिए एक फाइनल, मेरी आखिरी वीडियो 2022 की फाइनल एक चैलेंज आप लोगों के लिए है, जो वही करेगा जो वो सपने को सोच पा रहा है, जो वो सपने को पाना चाहता है। और यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन से ही कि आप आगे लाइफ में क्या करने वाले हो, आप कितने अपने सपनों को पा रहे होगे, कितने आप अपने सपने साकार कर रहे होगे, लाइफ में आप कहां तक पहुंच रहे होगे। अरे ये तो बोर्ड एग्जामिनेशन ही है खाली, ये तो खाली बोर्ड एग्जामिनेशन ही है, आपको लिख के आना है, कुछ नंबर आ जाएंगे, अच्छा रहेगा, लेकिन जो लाइफ का एग्जाम होगा उसमें आप अपने सपनों को कितना साकार कर रहे होगे, यहां से पता चल जाएगा आपको। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक, एक हफ्ता, ये एक हफ्ता आपकी बोर्ड की जर्नी बदल देगा, ये एक हफ्ता आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा, फाइनल है ये, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ना इसके बाद टाइम बचेगा, ना इसके बाद तुम्हारे पास में उतना दम होगा, ना मेरे पास में उतना तुम्हारे लिए पावर होगी, अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन नहीं हुआ। 2023 चालू हो रहा है, 2022 चला जा रहा है, वो सपने को नहीं जाने देना है जो देखा था। बहुत सारे बच्चों ने अपने अलग अलग सपने देखे होंगे, जिनकी 50% आ रही थी क्लास 9th के अंदर, उन्होंने सोचा होगा मैं 80 ले आता हूँ, जिनकी 80 आ रही थी उन्होंने सोचा होगा क्लास 10th के अंदर 90-95 मारते हैं। लेकिन क्या तुम्हें लग रहा है कि वो सपना तुम कर पाओगे? क्या कहीं वो 2022 के साथ में तो नहीं छूटा चला जा रहा है? अगर जा रहा है तो आज की वीडियो में उसको पकड़ के लाते हैं वापस, आज की वीडियो के बाद में तुम ही वो काम कर रहे होगे। कैसे करना है, चलो चालू करते हैं वीडियो को और बात करते हैं इसकी। पहली जनवरी न्यू ईयर आप सेलिब्रेट कर रहे हो या नहीं कर रहे? बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, तुम उनको देख के सोचोगे यार मेरा भी ऐसी लाइफ होती, मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मैं कर क्या रहा हूँ? तुम जो कर रहे हो ना आप सही कर रहे हो, तुम जो हो वो बढ़िया हो, तुम्हें ऐसे ही रहना है। अब तुम्हें करना क्या है? 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक आपके लिए वो इम्तिहान के दिन होंगे, आपकी डेडिकेशन, आपका पैशन, आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ उसके अंदर निकल के बाहर आ जाएगा। आपकी बोर्ड की जर्नी या तो 180 डिग्री टर्न हो जाएगी या तो वैसी की वैसी चलती रहेगी। आपका वो जो सपना या तो 2022 में छूट जाएगा या तो 2022 में रह ही जाएगा या उसे पकड़ के 2023 में ले आओगे और उसे पूरा कर रहे हो। आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत, एक साल की फीस आपकी जो दी गई है स्कूल की, आपकी ट्यूशन फीस, आपने जो ट्यूशनें पढ़ी हैं, आपने जो जितनी भी एक्सपेंसेस करे हैं एग्जाम किताबों के ऊपर, पेन्स के ऊपर, कॉपीज के ऊपर, सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी अगर यहाँ पे तुमने वो सपना साकार कर लिया। 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक ये वो इम्तिहान के दिन होने वाले हैं, ये 7 दिन आपका, एक हफ्ता या आपका पूरी बोर्ड की जर्नी बदल के रख देगा, पूरी बोर्ड की जर्नी को 180 डिग्री टर्न मार देगा। पढ़ाई का मजा शुरू से क्लास 10th 2023 सेशन जब से चालू हुआ, हम लोगों ने आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, हमें कहने की जरूरत नहीं थी, सबसे बेस्ट थे, सबसे बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट रहेंगे मार्केट के अंदर। क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं, टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट में से आपका इंग्लिश, साइंस, SST, मैथ और एक जो होता है कोई रीजनल सब्जेक्ट होता है, आपका हिंदी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी रीजनल सब्जेक्ट हो सकता है, 5 में से 3 सब्जेक्ट मैंने ले लिए। ये 3 सब्जेक्टों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इंग्लिश मेरे को कराना थी, साइंस मेरे को कराना थी, SST मेरे को कराना थी। वो जो तुम साइंस में भटकते रहते हो, केमिकल रिएक्शंस नहीं समझ में आ रही हैं, हमसे जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले नहीं घूम रहे हैं, लाइट की इक्वेशंस में फंसे पड़ रहे हैं, SST सर कहानी नहीं बन रही है,
क्या करें, इंग्लिश सर पूरे साल नहीं पढ़ी है। मैं जानता हूँ तुमने पूरे साल इंग्लिश नहीं पढ़ी है, आप कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे उस काम को, अब ये 7 दिन में करेंगे और करके दिखाएंगे, तुम ही होगे वो जो तुम ये काम कर रहे होगे। अब इस 7 दिन में हम ये गेम को पलटेंगे, लास्ट मोमेंट मारेंगे, सिर्फ बात नहीं करेंगे, चीजों की बात करते हैं जरा। वो जो रिसोर्सेज जो आपके पास में ये वीडियो बनाने के लिए अवेलेबल होने चाहिए थे, वो रिसोर्सेज आपके पास में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने देख लिए होंगे जो इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आ रहे हैं पढ़ाई मजाक के ऊपर, उन्होंने नहीं देखे होंगे। क्लास 10th कंप्लीट साइंस के नोट्स, कंप्लीट SST के नोट्स, कंप्लीट इंग्लिश के नोट्स पहुंच चुके हैं आप लोगों के पास में। अब ये नोट्स आपको 7 दिन के अंदर निकलवाने हैं। अभी 2-3 दिन है, 1 जनवरी में पहला नया साल शुरू होने में 2-3 दिन है, निकलवा लो इनको। अब वो टाइम नहीं है जब तुम इनको लिख रहे होगे बैठ के, वो टाइम बिल्कुल नहीं बचता है, तुम्हें अपना टाइम बचाना है, काम करना है। अभी जो नोट्स है इसको आपने निकलवा लिया, अभी नोट्स आप निकलवा लोगे उसके बाद में क्या करना है, फाइनली वो रिसोर्सेज जो आपके पास में होने चाहिए थे वो मैंने पहुंचा दिए। कंप्लीट क्लास 10 साइंस इन वन वीडियो, इंग्लिश इन वन वीडियो, SST इन वन वीडियो कंप्लीट हो चुका है। 3 सब्जेक्ट आपके चैनल के ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं भाई, तो मैं एक जर्नल क्राइटेरिया ले रहा हूं, जिसने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है वो कंप्लीट कर रहा होगा इन चीज़ों को, एक अच्छे लेवल तक पहुंच रहा होगा इन चीज़ों को। जिन्होंने अब तक सब कुछ पढ़ लिया है, जिन्होंने अब तक फुल काम कर लिए हैं, वो भी इन वन शॉट्स को देख रहे होंगे। तुमने देख लिया है, बहुत बढ़िया बात है, फिर से तुमको देखना है। टोटल अगर मैं वीडियो लेंथ की बात करूं तो साइंस का हमने 1 शॉट 9 घंटे में रिकॉर्ड करा है, SST का 7 घंटे के अंदर, इंग्लिश का हमने 3 घंटे के अंदर रिकॉर्ड किया है। सम अप कर दो तो 20 घंटे 37 मिनट का टोटल 1 शॉट बनता है, 20 hours 37 मिनट, 20 घंटे में आपका सारी चीज़ें हमने कंप्लीट करा दी हैं। क्या ये सफिशिएंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए? लोगों ने तो एक एक चैप्टर में 9-9 घंटे लगाए हैं। सर आपने तो पूरा साइंस को 9 घंटे में समझा दिया है, क्या ये सफिशिएंट रहेगा बोर्ड के लिए? बात मानो, दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, तुम्हारे बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। तुम्हें करना क्या है? ये जो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी ये चैलेंज होने वाला है हर एक उस बच्चे के लिए जो वो सपने को अपने 2022 में नहीं छोड़ना चाहता है, वो जो अपने सपने को खींच के 2023 में लेके आएगा और पूरा कर रहा होगा। ये हर एक चैलेंज है उस बच्चे के लिए, बहुत खतरनाक होने वाला है। अब ये 180 डिग्री आपकी बोर्ड की जनरली टर्न होने वाली है पूरी, आपकी चीज़ें बदल जाएंगी, आपका काम हो जाएगा। करना क्या है 7 दिन के अंदर, कैसे करना है ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे करना है, तुम बेहतर जानते हो, अपने दिमाग के मालिक तुम खुद हो, आपको पता है वो कैसे करना है, आपको पता है कि अपने आप को इकट्ठा करके, अपने आप को समेट के वो 7 दिन में कैसे लगाना है, ये आप जानते हो, आप जानते हो ये चीज़, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, आप जानते हो ये चीज़ कि वो 7 दिन के अंदर आपको कैसे चीज़ें करना है, ये आप जानते हो, शुरू से आप जानते हो। अब करना क्या है, ये जो 7 दिन है इसके अंदर ये 3 वन शॉट आपको देखने हैं, 3 वन शॉट देखने हैं। इन वन शॉट्स को देखने के साथ साथ आपको नोट्स भी रिवाइज करते जाना है। नोट्स की सारी प्लेलिस्ट की लिंक, वन शॉट की प्लेलिस्ट की लिंक सब इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मौजूद है। वन शॉट देख लिए, नोट्स रिवाइज कर लिए, रोज़ शाम में फिर हम आपके पास में बैठे हुए हैं, रोज़ शाम में आपका मेंटी हो रहा है। 1 तारीख से आपका डेली मेंटी क्विजेस चलेंगे, किसी दिन साइंस का, SST का, इंग्लिश का, साइंस का, SST का, इंग्लिश का, जो भी आप पढ़ रहे हो मेंटी क्विज में आ जाओ। आप इंग्लिश का हो रहा है मेंटी क्विज, अगर आपको SST पढ़ रहे हो, आपने उस दिन SST का वन शॉट देखा है, कोई डाउट आ रहा है मेरे को आके बताओ भाई, मैं वहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अगले 1 जनवरी से लेके अगले 7 दिन तक, यानी 7 जनवरी तक आप अगर ये कर ले गए तो वो आपकी चीज़ बदल रही होगी, आपकी बोर्ड की पूरी जर्नी 180 डिग्री टर्न हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं चल रही हैं, स्ट्रेटजी आपको नहीं बांटी जा रही है, मैंने तो कोई स्ट्रेटजी बताई नहीं, आपको पता है, आप अपने मालिक हो दिमाग के, कोई और आपके दिमाग का मालिक नहीं है। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपकी पावर्स क्या है, आपकी पोटेंशियल क्या है, आपके अंदर कौन कौन सी असीम शक्तियाँ बैठी हुई हैं, मैं नहीं आपको बता सकता। ओवर थिंकिंग क्यों होती है सर? ओवर थिंकिंग करेंगे हम इस 7 दिन के अंदर, हमारी ओवर थिंकिंग हो जाएगी, हमसे कुछ होगा नहीं। डर रहे हो रिजल्ट से? रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, फेल होंगे, सक्सेस होंगे, डरना क्यों है? जो होगा अच्छा होगा। अगर आपको अपने आप पे नहीं भरोसा है तो इस कायनात पे भरोसा होना चाहिए, इस नेचर पे भरोसा होना चाहिए। ये नेचर जो आपके लिए करेगा, ये कायनात जो आपके लिए करेगी, आपके अच्छे के लिए ही करेगी। अगर आपको ये कायनात पे भरोसा है, आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है आपको, अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहना है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं करूँगा।
जो मेरा दिमाग सोच सकता है, जो मेरा दिल मान सकता है, मैं उसे कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ उस चीज़ को, जो मेरा माइंड सोच सकता है, जो मेरा दिल मान सकता है, उस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। कोई मुझे रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। या 7 दिन आपकी बोर्ड की जर्नी बदल देंगे उठा के। दोस्त मानो ये बात, आप 0/0 हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सोसाइटी को पड़ता है ना फ़र्क, और रिश्तेदारों को पड़ता है फ़र्क। उन्हें दिखाना है अब करके, उन्हें दिखाना है कि हम कुछ हैं, हम कुछ उखाड़ सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। हम अब उन्हें दिखाएंगे करके ये चीज़ों को करना है। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये चैलेंज में जो जो भी इंटरफेयर हो रहा है, जो जो भी आ रहा है, इन दी कमेंट सेक्शन ज़रा मेरा कमेंट है लिखो भाई, पूरी ताकत से जाके, पूरी डेडिकेशन के साथ में। कौन आएगा, कौन आएगा, ये 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक इस चैलेंज का पार्ट बनेगा। कैसे करना है आपको बेहतर पता है, यू बेटर नो, मैं नहीं जानता, तुम जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, गुड बाय। और ये आपकी सारी के सारी नोट्स, वन शॉट, सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स आपको इंग्लिश के ही वन शॉट में मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय।